What's up everybody, assalamu alaikum, hope you are doing well, welcome to another vlog। और आज का जो हमारा vlog है वो बहुत ही special होने वाला है, क्योंकि आज के vlog में मैंने जो stories लगाई थी Facebook और Insta पे, अगर आपने follow किया है तो आपको पता होगा कि हम गए थे शादी पे, हमारी classmate की शादी पे। जी हाँ, आज उसी classmate की दावत है। once again हम जाएंगे वहाँ पे खरड़ी में और इस तुम बकरे को ज़बह करेंगे। सॉरी फॉर लेट व्लॉग, क्योंकि इसके रीजंस ये हैं कि स्टडीज चल रही हैं और एग्ज़ाम की तैयारियाँ, फिर प्रेजेंटेशन ये है वो, यूनिवर्सिटी है ना भाई, समझा कर। तो ये बहुत स्पेशल व्लॉग होने वाला है, क्योंकि इसमें हमारी क्लास के सारे बॉयज़ आ रहे हैं, सारे बॉयज़। फिर हम जा रहे हैं और बॉयज़ वहाँ पर वेट कर रहे हैं मेरा, और मैं अभी हॉस्टल में, हॉस्टल से निकलते हैं और फिर जाते हैं, बॉयज़ से मिलते हैं, फिर इंशाल्लाह निकलेंगे खरड़ी के लिए। और जो भी सीन्स होंगे ये हैं हमारे प्यारे दोस्त शरीफ भाई, जिन्होंने पिकनिक का पूरा सामान अपनी मोटरसाइकिल पे रखा है, और ये वो बकरी है जिसको हम ज़बह करने वाले हैं पिकनिक पे ले जाके, और ये हैं औरंगज़ेब भाई जो कि लड़कों को हिदायत दे रहे हैं कि कैसे चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। पे पहुंच चुके हैं और औरंगज़ेब भाई के साथ अभी हम लोग यहाँ पे दोस्तों ने अभी फूल भर रहे हैं हमसे, और अभी हम लोग तकरीबन हमारे सारे दोस्त यहाँ पे पहुँच रहे हैं। इंशाल्लाह फिर 10-15 मिनट में हम लोग अपना सफ़र जारी रखेंगे। क्या कहना चाहोगे आज के हमारे दोस्त, मतलब मेले से आ रहे हैं, उनके हम यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं, बाकी दोस्त हम लोगों का ये खड़ा है जो मेरा कैमरा आप लोगों को देख सकता है। अच्छा भाई, ये है हमारे दूल्हे भाई जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई नहीं हमें ट्रीट की है, और भाई की वजह से हम पिकनिक पे जा रहे हैं। क्या कहना चाहोगे आज पिकनिक के बारे में? इंशाल्लाह मज़े करेंगे वहाँ पे जाके। अच्छा औरंगज़ेब, ये दोनों भाई अभी लेट आए लेला से, अनवर और यूसुफ, इनके इनको क्या कहना चाहोगे? लेट आने वाले को क्या सजा? यार दरअसल बात ये है कि ये भाइयों को पता ही नहीं था कि प्रोग्राम का, तो सुबह जब हम लोगों ने भाइयों को इन्फॉर्म किया तो वो लोग बेले से निकल गए। आपको पता है बाइक के ऊपर आस्ता आस्ता बेले से आने का मतलब ऊपर छः मी लगता है, तो मैं खुश हूँ मेरे भाई पहुँचे घर से अल्हम्दुलिल्लाह, और हम लोग अभी अपना सफर जारी रखते हैं। जो पीछे आ रहे हैं, कुछ के बाइक्स भी खराब हो गए, उन लोगों के लिए वेट कर रहे हैं।
वेलकम बैक गाइस, हम पिकनिक पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं आप मेरे पीछे, इंतहाई खूबसूरत नज़ारा। और ये बुलंदो बाला पहाड़ देख सकते हैं आप। इसको क्या करना है अभी? इसको पानी देना है। इसके बाद इलाज कर रहे हैं, ज़बा करेंगे इंशाल्लाह। साफ और शफाफ बहता हुआ पानी, काले और सफ़ेद बुलंदो बाला पहाड़ हर इंसान को अपनी तरफ खींचते हैं। जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको एक अलग ही फीलिंग आती है, दूसरी एक नई दुनिया में जैसे आप आ गए। ये चट्टाने आप देख सकते हैं जिन्हें किसी इंसान ने नहीं बल्कि ये कुदरती बनी हुई चट्टाने हैं जो कि खरड़ी में मौजूद है। जब आप यहाँ पर आएँगे तो यकीनन आप बहुत एंजॉय करेंगे और ऐसे पिकनिक पॉइंट को हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि ऐसे पॉइंट्स बहुत ही कम देखने को मिलते हैं जहाँ पे पहाड़ भी हो, पानी भी हो और वो पानी भी चश्मों की तरह बहता हुआ पानी हो। ये यहाँ पे हम उसी पानी में नहा रहे थे और इंतहाई शफाफ किस्म का पानी था जो कि चश्मे की तरह बह रहा था। और यहाँ पे हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, जब तक कि हमारे खाने तैयार हो जाते तब तक हम फ्रेश हो गए। Thank you.
वगैरह हम लोगों ने खा लिया है। अभी सारे दोस्त रेडी हो गए खाने के, भी शॉर्ट्स आपने देख लिए। अभी सूरज भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तकरीबन ग्रुप होने वाला है अभी। तो अभी हम निकलते हैं फिर से यूनिवर्सिटी के लिए, और आज का व्लॉग यहीं तक था। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना, और मिलेंगे हम आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर कभी दूसरे किसी व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और ये पीछे ऊंट लोकेशन लास्ट।